प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दरसी किताब की एक नज़म समझेंगे जिसका नाम है एक घोड़ा और उसका साया। एक घोड़ा था निहायत ऐबदार, अपने साये से भिदकता बार बार। इस नज़म में एक घोड़े का जिक्र है जिसमें ऐब था, यानी खराबी थी, और वो ये थी कि वो अपने ही साये से भिदकता था, यानी डरता था। आगे है, उससे मालिक ने खफा होकर कहा, सुन तो अहमक जिससे तू डर रहा, जिस्म का तेरे ही तो साया है वो, कुछ दरिंदा है न कुछ चौपाया है वो, जिस्म रखता है न उसकी जान है, तू बड़ा डरपोक और नादान है। घोड़े के मालिक ने एक दिन उसकी इस आदत से खफा होकर नाराज होकर कहा कि ए घोड़े, तू बड़ा ही अहमक है, तू बड़ा ही बेवकूफ है, तू जिससे डर रहा है वो तेरे ही जिस्म का एक साया है, ना वो कोई दरिंदा है ना कोई चौपाया है, और ना उस साये का कोई जिस्म है जो तुझे नुकसान पहुंचाए, और ना ही उसमें जान है कि जिससे तू डरा जा रहा है, तू तो बड़ा ही डरफोक और ना समझ है जो अपने ही साये से डरता है। यूं दिया घोड़े ने मालिक को जवाब, सच कहा आपने लेकिन जनाब, आदमी से बढ़कर मैं वहमी नहीं, अनहुई बातों का जिसको हो यकी, भूत से डरना भी कोई बात है, क्या ही वहमी आदमी की जात है। जब घोड़े ने अपने मालिक की सारी बातें सुनी, उसके बाद उसने अपने मालिक को जवाब दिया कि मालिक, आप जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ साया है, न इसमें जान है न इसमें जिस्म, ये बात सच है कि मैं डरपोक जरूर हूं, लेकिन आदमी से बढ़कर वहमी नहीं, जो चीजों से नहीं है उससे भी डरता है। यहां पर आदमी से मुराद इंसान लिया हुआ है, तो यहां घोड़े का कहना है कि इंसान वो चीजों से डरता है जो हकीकत में है ही नहीं। क्या भूत होते हैं? जो चीज दुनिया में मौजूद ही नहीं उससे भी इंसान डर रहा है, क्या ही वहम करने वाले इंसानों की जात से मैं दूर हूँ। और आगे घोड़े का कहना है कि साया तो आँख से आता है नज़र, क्या अजब है जो मुझ पर हुआ असर, अपने दुख का कीजिए अव्वल इलाज, दूसरों का पूछिए पीछे मिजाज। यानी जो साया है वो मुझे मेरी आँख से नज़र आ ही रहा है, तो उसमें अजब बात क्या है जो मैं उससे डर रहा हूँ, अपने ही साये से डर रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन पहले आप अपने इंसानों का इलाज कीजिए जो वहमी बातों पर यकीन रखते हैं कि भूत है, और उसके बाद ही दूसरों का बाद में मिजाज पूछना। आप पहले इंसानों को समझाइए कि भूत वगैरह नहीं होते हैं, वो ऐसी चीज़ों से डर रहा है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमने भी भूत से और दीगर वहमी बातों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन होना चाहिए।